भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज है 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके PDF ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कल जब हमने 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो आपका सबसे पहला टेस्ट था कि किस राज्य में सुरंग के अंदर देश का पहला रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो कि सुरंग के अंदर होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए। दूसरा टेस्ट था आपका, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के हृदय नाथ पुरस्कार 2018 के लिए नामित किया गया है। तो उनका नाम है जहीर ख्याम हाशमी, जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के हृदय नाथ पुरस्कार 2018 के लिए नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दी जाएंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला आपका करंट अफेयर है कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है। तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस जो दिवस है वो इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। तो देखिए, ये एक बीमारी है और इस बीमारी में क्या होता है कि जो रोगी होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, उनकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं और जिससे उनका फ्रैक्चर होने का जो खतरा है वो अधिक होता है। तो इस बीमारी के इलाज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये दिन इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्योन में है। न्योन कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। तो इसके जो CEO है उनका नाम है फिलिपी हेल्बर्ट और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है साइरस कॉपर। अब यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे गए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो 16 अक्टूबर लिखा गया है दूसरा ऑप्शन, इस दिन को क्या मनाया गया है, तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है। ये आपको मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था। उसके बाद 15 अक्टूबर लिखा है तीसरा ऑप्शन, तो 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है और उसी के साथ साथ 15 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय महिला किसान दिवस भी मनाया गया है। उसके बाद है 17 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होनी चाहिए। होप आपको समझ आ गया होगा कि ये होता क्या है। अगला करंट अफेयर है आपका, किसे विश्व इस्पात संघ यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में विश्व इस्पात संघ या फिर कहें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में संजन जिंदल को नियुक्त किया गया है। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है सज्जन जिंदल। अब ये सज्जन जिंदल कौन है, तो ये जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के CMD हैं, यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी होगी कि सज्जन जिंदल के साथ साथ ही जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उसने कुछ और लोगों को भी अपना सदस्य चुना है। उनके नाम आपको पता होना चाहिए, तो उनके नाम है TV नरेंद्रन, जिसे WSA यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अपना सदस्य चुना है। और उसके पास जो दूसरे सदस्य चुने गए हैं उनका नाम है LN मित्तल। अब आपको इन दोनों के बारे में भी बताती हूँ मैं। जो TV नरेंद्रन है ये टाटा स्टील के MD है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो LN मित्तल है ये आर्सल और मित्तल के चीफ है। अब इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 10 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है, ये ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है कोसे शिंदो और इसके जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है जॉन फेरोला।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको यहाँ पर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में एक ये याद रखनी होगी कि जब 1967 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तब इसका नाम ये नहीं था, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसका नाम नहीं था, इसका नाम था इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। और 2008 में क्या हुआ, इसका नाम बदल कर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रख दिया गया था। तो होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगला करंट अफेयर आज का, किसे चौथे वार्षिक कारनाड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को हाल ही में चौथे वार्षिक कारनाड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीयूष गोयल, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये है पीयूष गोयल। ये कौन है? तो ये हमारे रेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। और ये पुरस्कार इनको किनके द्वारा दिया गया है? तो ये पुरस्कार क्लीनमेन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी के द्वारा इन्हें दिया गया है। और ये पुरस्कार इन्हें कहाँ पर दिया गया है? तो अमेरिका की पेलिसबेनिया विश्वविद्यालय में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके बाद तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि पीयूष गोयल को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो पीयूष गोयल को जो गांव है उनमें बिजली पहुंचाने के लिए और ऊर्जा का विस्तार करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब इसके बाद आपको कारनाट पुरस्कार के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ऊर्जा नीति में अपना विशेष योगदान दिया हो, तो उस पर्सन को कारनाड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसका जो नाम रखा गया है कारनाड पुरस्कार, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये निकोलसन साड़ी कारनोट के नाम पर रखा गया है। ये कौन थे? तो निकोलसन साड़ी कारनोट ये फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। अगला करंट अफेयर आज का, 2018 में भूटान में कौन सा राजनीतिक दल नई सरकार का गठन करेगा? तो 2018 में भूटान का जो राजनीतिक दल है जिसका नाम है ड्रूक न्यायप्रम त्सोग्पा। और देखिए, जो भूटान का राजनीतिक दल है जिसका नाम है ड्रूक न्यायप्रम त्सोग्पा, ये 2018 में अपनी सरकार बनाएगा। देखिए, हाल ही में भूटान के अंदर वोटिंग हुई है जिसमें जो राजनीतिक दल है भूटान का ड्रूक न्यायप्रम त्सोग्पा, इसे 30 वोट मिले हैं। 47 में से इसे 30 वोट मिले हैं। और जो ड्रूक न्यायप्रम त्सोग्पा के अगेंस्ट पार्टी थी जिसका नाम था ड्रूक फुएनसन त्सोग्पा, इसे 17 वोट मिले हैं। ये आप लोगों को समझ आ गया कि ये राजनीतिक दल क्या है? जैसे हमारे भारत में कांग्रेस है, बीजेपी है, ये राजनीतिक दल है हमारे भारत के ना, तो वैसे ही भूटान के ये राजनीतिक दल हैं ड्रूक फुएनसन त्सोग्पा और ड्रूक न्यायप्रम त्सोग्पा। अब जैसे कि अब भूटान का जो राजनीतिक दल है जिसकी अब सरकार बनेगी वो है ड्रूक न्यायप्रम त्सोग्पा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चेंज होंगे। तो भूटान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनका नाम है लोते तसरिंग। लोते तसरिंग अब बनेंगे भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर। और लोते तसरिंग कौन है? तो ये जो राजनीतिक दल है भूटान का ड्रूक न्यायप्रम त्सोग्पा, इसके अध्यक्ष हैं। और जो ये राजनीतिक दल है ड्रूक न्यायप्रम त्सोग्पा, इनके प्रेसिडेंट कौन है? तो उनके प्रेसिडेंट है औम दोर्जी चोडन। अब यहाँ पर भूटान की बात चल रही है तो भूटान के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मलदेरिया किया हुआ है यहाँ पर है भूटान। भूटान के कैपिटल है थिम्फू। भूटान की करेंसी है नगोल्ट्रम। भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है दशो तशरिंग वंचू। अगला करंट अफेयर है आज का कि 2019 में अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल यानी कि मिलिट्री वर्ल्ड गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2019 में जो अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल हैं ये चीन में आयोजित किए जाएंगे। और 2019 में पहली बार ऐसा होगा कि जब मिलिट्री वर्ल्ड गेम है उनमें बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस और जिम्नास्टिक खेलों को भी शामिल किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए क्या होगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक खेल आयोजित किए जाते हैं इसकी मेजबानी हमारे भारत ने कब की थी? तो हमारे भारत ने इसकी मेजबानी 2007 में की थी। और ये जो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हैं ये 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। और ये पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो ये पहली बार 1995 में आयोजित किए थे। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? तो ये इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब आपको यहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है कॉलोनल अब्दुल हकीम अल शिनो। अब क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये चीन में आयोजित किए जाएंगे तो चीन के बारे में भी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर जो मार्कडेरिया है भारत के ऊपर, यहाँ पर है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। अगला करंट अफेयर आज का कि किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा?
तो उनका नाम है मीनल पटेल डेविस। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये है मीनल पटेल डेविस, जो कि भारतीय मूल की महिला है, और इन्हें अमेरिकी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इन्हें ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा, तो मीनल पटेल डेविस को ये पुरस्कार अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है माइक पोम्पियो। और इन्हें यह अवार्ड कहाँ पर दिया जाएगा, तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। और इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया जाएगा, ये इसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो इन्हें ये अवार्ड मानव तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए और उसमें इनके योगदान के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। और मीनल पटेल डेविस के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी होगी कि जो मानव तस्करी पर ह्यूस्टन के मेयर हैं, उनकी ये विशेष सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कब किया जाएगा, तो दुनिया का जो सबसे लंबा पुल बनेगा उसका उद्घाटन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। और ये पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये पुल दक्षिण चीन में बनाया जा रहा है। और इस पुल का नाम आपको पता होना चाहिए, तो इस पुल का नाम है हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये पुल सबसे लंबा पुल होगा, तो इस पुल की लंबाई कितनी है, तो इस पुल की लंबाई है 55 किलोमीटर। और ये पुल कहाँ पर चाइना के अंदर बनाया गया है, तो ये पुल दक्षिण चाइना के अंदर जो एक नदी है जिसका नाम है पर्ल नदी, उसके डेल्टा पर बनाया गया है इसे। अगला करंट अफेयर है कि वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जो पुरस्कार है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार, ये मार्सेल बेन उस्टन ने जीता है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई रही है, ये है मार्सेल बेन उस्टन। और ये इन्हें अवार्ड ये क्यों दिया गया है, तो इनकी एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है जिसका नाम है द गोल्डन कपल। मैं आपको पिक्चर दिखाई देती हूँ, ये है गोल्डन कपल पिक्चर जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मार्सेल बेन उस्टन को ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पुरस्कार इन्हें लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा दिया गया है। और कल आप लोग को एक करंट अफेयर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार है जो जूनियर कैटेगरी में दिया गया है, वो किसे दिया गया है, तो वो अर्शदीप सिंह को दिया गया है। जिनकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, उनकी पिक्चर का नाम था पाइप आउल, जिसके लिए अर्शदीप सिंह को जूनियर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। अगला करंट अफेयर है आज का, दिसंबर 2018 में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनर्स फोरम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा, तो दिसंबर 2018 में हमारा जो भारत है वो ग्लोबल पार्टनर्स फोरम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। और भारत के अंदर इसकी सह मेजबानी कौन करेगा, तो ये इस ग्लोबल पार्टनर फोरम की जो सह मेजबानी है वो भारत के अंदर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उसी के साथ साथ जो पार्टनरशिप फॉर मैटरनल और न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ है उसके द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। और इस साल इस ग्लोबल पार्टनर फोरम में लगभग 100 से भी अधिक देश पार्टिसिपेट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ये चौथा संस्करण है इसका जिसकी मेजबानी भारत करेगा, तो इससे पहले जो तीन संस्करण हुए उनकी मेजबानी किन किन ने की थी, तो जो पहला संस्करण हुआ था वो 2007 में हुआ था जिसकी मेजबानी तंजानिया ने की थी। उसके बाद 2010 में इसका दूसरा संस्करण हुआ था जिसकी मेजबानी हमारे भारत ने की थी। उसके बाद 2014 में इसका तीसरा संस्करण हुआ था जिसकी मेजबानी जोहान्सबर्ग ने की थी। और अब फिर से चौथे संस्करण की मेजबानी हमारा भारत करेगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी सह मेजबानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा, उसी के साथ साथ जो पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ है वो भी इसकी मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर आपको हमारे स्वास्थ्य मंत्री का नाम पता होना चाहिए, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री का नाम है जगत प्रकाश नड्डा। और उसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, तो देखिए इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है ग्रेस मेचिल और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है रोबिन गोरना। अगला करंट अफेयर है, कौन 3 दिवसीय विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, तो उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हाल ही में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, तो 22 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, तो महाराष्ट्र के अंदर नासिक जिले में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो सम्मेलन है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये सम्मेलन भगवान ऋषभ वेद मूर्ति निर्माण समिति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब क्योंकि इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में होगा, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मार्गदर्शी यहाँ पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का नाम है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है सी विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19 और विधानसभा की सीटें हैं 288।
अगला करंट अफेयर है आज का कि विश्व डायमंड काउंसिल की 14वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ होगी। तो इसकी जो 14वीं वार्षिक आम बैठक है वो मुंबई में होगी, और ये बैठक कब से कब तक ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ये बैठक 22 और 23 अक्टूबर को बुलाई जाएगी। और ये बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो ये बैठक ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा बुलाई जाती है। और मुंबई कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। अगला करंट अफेयर है SCO के शिक्षा मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो शिक्षा मंत्री की 7वीं बैठक होगी वो कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। कजाकिस्तान के अंदर कहाँ, तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है अस्ताना, वहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इस बैठक में जैसे कि लिखा कि SCO के शिक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करेंगे, तो SCO के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो SCO के अंदर भारत, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उसी के साथ साथ तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब देश आते हैं SCO के अंदर। और हमारे भारत की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे भारत की तरफ से इसमें सत्यपाल सिंह पार्टिसिपेट करेंगे। ये सत्यपाल सिंह कौन है, तो ये हमारे मानव संसाधन और विकास राज्य मंत्री हैं। अब SCO के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, चाइना के अंदर बीजिंग में है। इसके जो मेंबर है वो 8 कंट्रीज इसकी मेंबर है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है राशिद अलीपोव। अब कजाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो बैठक है वो कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो मार्क देखिए, यहाँ पर कजाकिस्तान, कैपिटल है अस्ताना, मैंने आपको बता दिया। करेंसी है टेंगी, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है नुरसुल्तान नाजाबेव। इसके जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है भगतचन संगीतयेव। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए थी कजाकिस्तान के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आपको कहा गया था कि लास्ट में 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए होंगे, तो सबसे पहला टेस्ट है आपका कि भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM कहाँ पर स्थापित किया गया है। इन 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर चूज करना है। दूसरा टेस्ट है आपका कि किस राज्य की शाही लीची को GI टैग मिला है, उस राज्य का नाम बताना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।